डीएसआर पब्लिक स्कूल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं पप्पू कुमार सिंह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज फिर आप लोगों के लिए बीच लेकर आए हैं क्लास थ्री का कंप्यूटर, जिसका लेसन टू का आज हम लोग वीडियो नंबर दो करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने हार्डवेयर के पार्ट्स पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सीपीयू यानी कि जस्ट लाइक आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन जैसा, यानी कि हमारे जो सर है, दैट कीप्स कंट्रोल ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारा जो ब्रेन है सारे हमारे शरीर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसी तरह जो है सीपीयू यानी कंट्रोल ऑल द फंक्शन परफॉर्म बाई कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर के परफॉर्म को जो भी वर्क करता है उसको कंट्रोल करता है। डेट इज वाई सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं। ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन आर परफॉर्म बाई सीपीयू, क्योंकि सारे कैलकुलेशन और कंपेरिजन जो करता है वो करता है सीपीयू। सीपीयू हैज फ्लोइंग थ्री पार्ट्स, सीपीयू के तीन पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं। पहला क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये जो है इसके तीन पार्ट्स हैं, यानी कि सीपीयू के तीन पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, इसका वर्क क्या है? इट डज बोथ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ये सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कंसिस्ट ऑफ एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लेक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन डिवाइड एक्सेट्रा। एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? मे बी इंक्लूड लेस देन, लेस देन यानी कि लेस देन होता है, लेस देन इक्वल यानी कि लेस देन इक्वल दोनों साथ में, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, और ग्रेटर देन इक्वल बड़ा और बराबर, इक्वल टू यानी बराबर, एंड नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं। ये है इसका लॉजिकल यूनिट। और इसका कुछ है क्या एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका कंट्रोल यूनिट यानी कि CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसका यूज क्या है? CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे एक्टिविटी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इट चेक, ये चेक करता है द रिजल्ट गिवन बाई ALU, जो इसे ALU रिजल्ट देता है उसको ये चेक करता है। इट ऑल्सो चेक व्हाट टू डू एंड वेन टू डू, इसे ये चेक करता है कि क्या करना है और कहाँ पर करना है, ठीक है। तीसरा है मेमोरी यूनिट, क्या है? मेमोरी यूनिट यानी कि MU। इट इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट, ये स्टोर करता है रिजल्ट को, सारे रिजल्ट को स्टोर करता है। दिस रिजल्ट कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल, ये इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट तैयार करता है, ठीक है। हार्डवेयर इक्विपमेंट फंक्शनिंग, हार्डवेयर इक्विपमेंट फंक्शनिंग, ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी पार्ट्स रिलेटेड टू ए कंप्यूटर आर कलेक्टिव कॉल हार्डवेयर, सारे इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी पार्ट्स को क्या कहते हैं हम? हार्डवेयर कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए पार्ट्स हैं चाहे कुछ भी हो, और मशीनरी वर्क जो मशीन जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्डवेयर कहते हैं। इट रेफर टू द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डेट यू कैन टच एंड फील, जिसको हम लोग छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हम लोग कुछ हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है मोनिटर, तो मोनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये जो है आउटपुट डिवाइस है। इट इज ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं फुल फॉर्म। द डाटा फीड बाई यूज अस इन टू ए कंप्यूटर कैन बी डिस्प्ले ऑन द मोनिटर, जो हमें मोनिटर पर दिखाता है। द रिजल्ट शो बाई इट्स कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो हमें मोनिटर पर जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी दिखाई देते हैं, इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जो यहाँ इस मोनिटर पर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड यूज फॉर फीडिंग इनपुट इनटू द कंप्यूटर, इसका यूज क्या है? इनपुट देने का वर्क करता है कंप्यूटर में। वी कैन इनपुट डाटा बाई प्रेसिंग द की ऑफ ए कीबोर्ड, ए कीबोर्ड कंसिस्ट अबाउट 10 104 की। इसमें की की माध्यम से क्या करते हैं? कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, जिससे हमें आउटपुट रिजल्ट होता है। इसमें क्या होता है? 104 की होते हैं।
थर्ड है माउस। माउस क्या है? माउस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर मूव करता है, जो कंट्रोल करके मूव करके उसमें सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का वर्क करता है। जैसे उसमें मार्क करना हुआ, अंडरलाइन करने का वर्क हुआ, ये वो हम माउस द्वारा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉयस्टिक, ये है देखिए जॉयस्टिक, ये क्या होता है? जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम। इसका यूज है गेम खेलने के लिए ऑन द कंप्यूटर में इन डायरेक्ट मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। इसमें दो डायरेक्शन होते हैं। इट हैज ए स्टिक दैट इज यूज फॉर गिवन सिग्नल, जो हमें सिग्नल द्वारा यूज करते हैं। इसमें इससे सिग्नल निकलता है और इसमें से दो डायरेक्शन होता है, एक है और स्कैनर। ये देखिए ये स्कैनर है। स्कैनर क्या है? वी यूज द स्कैनर टू स्कैन टेक्स्ट पिक्चर फोटो एंड इमेज। ये क्या करता है? स्कैन करने का वर्क है क्या? टेक्स्ट का, लिखावट का, पिक्चर का, फोटो का एंड इमेज का। वी स्टोर द सेम ऑन द कंप्यूटर, एकदम वैसा ही कंप्यूटर में आपको दिखाई देगा। हार्ड कॉपी इज कवर इन टू सॉफ्ट कॉपी थॉट इट। इससे क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जा सकता है और हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में। जो ये इसमें हम डालेंगे हार्ड कॉपी, यहाँ से स्कैन करेगा और कंप्यूटर पे हम क्या दिखाएगा, स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी दिखाई देगा। एंड लास्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये एक आउटपुट डिवाइस है। इट मेक द परमानेंट कॉपी ऑफ द प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। ये हमें एक परमानेंट यानी कि हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है एक पेपर के रूप में। इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग, जिसको हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंट करके उसको हम लोग प्रिंटर द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो प्रिंटर द्वारा निकलता है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। तो ये आज मेरा लेसन 3 कम्प्लीट हुआ। इसको आप लोग वीडियो को प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू।